नहीं अच्छा होता, हद हो गई है। हद हो या ना हो पर मैं तो गाऊंगी। वो तू नहीं गाएगी। तो फिर पाबले ये गीत होते किस लिए? कौन बनाता है इन्हें और क्यों बनाता है? हद तो हो गई है बापला। पावला पता है मेरा इतना जी चाहता है ना कि मैं गाते गाते तेरी इस हद से पार चली जाऊं। इतना गाऊं ना मैं चांदी दी ना सोने दी, मैं पित्तल परी परात, मैनू धरती गली करा दे, मैं नचा सारी रात। राई क्या हो गया? इतना गुस्सा वे कार में तो गा रही, कुछ पाल पे तो नहीं गा रही। शर्म और लिहाज भी कुछ चीज होती है। जिद कर रही है, मुझसे जिद कर रही है। हाँ मखा तू तो गुस्सा करने लग जाता। देख तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, नजर नहीं ठहरती इस पे। नजर कहीं तो आका है मुझे ना, ना पुत मेरा और पुत्र हवाई चीजें पकड़ लेती हैं। हाँ पकड़ लेती हैं। क्या कर रही है? आई आई माँ, दे देखो क्या हो? आग लग रही इस मूवी को देखा तो चली गाड़ी में। अच्छा अच्छा किधर है? अच्छा होगी भी जा तू या चक्की के दो फेरे लगाने जा। शाबाश 500 बार ना चक्की चलाऊंगी, ना झाड़ दूंगी, ना गतावा करूंगी और ना ही चूल्हा जलाऊंगी मैं। क्यों? बस अब धुआं नहीं फूंका जाता मुझसे। पुत्र मेरे अगर काम नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? हैं? नहीं सीखना मुझे। क्या कहा तूने? नहीं सीखना तुझे? हाँ। हैं? गजबर की जबान होती जा रही है, चपेड़ मार कर तेरी शक्ल बगाड़ दूंगी, समझी तू? तेरी शान युवा पल में माशा पल में माना। अरे अभी तो तू मुझे कह रही थी कि तू उसको डांटना और हाँ तो आग का गोला बनती जा रही है। आग का गोला बनती जा रही है, तकले की तरह सिद्धा ना कर दिया तो नए खतून ना कहना मुझे, समझे तुम भी? खबरदार जो इसको हाथ लगाया तो इट मार के सिर पाड़ देगा। मैं इट मार के सिर पाड़ दूंगा तेरा। मार तो सही जरा, इसे समझा, इसकी जीभ संभाल, मेरा सिर पाड़ देगा इट मार के। ए ए दी मेरी है, मेरे काम ना करे भाई, अभी मेरे की कसूर है? मेरे तो 100 काम करती है। पुत्र मेरा मेरे सिर में तेल डालेगी? रोज डालती हूँ तेरे सर में तेल, लेकिन कभी कहा तुमने हैं कि बस कर, बेशक दूसरा लीरो लीर हो जाए। और कर खुशाम दे, और कर खुशाम दे, शमले पे हाथ जा पड़ा उसका तेरे। ए, कहती तो सच्ची है ना, तो मेरा सिर दबाती है, मेरे सिर में तेल डालती है और चूल्हा पकाती है। वो पिछली जुमेरात की बात है जब इसने मेरे लिए कहा था कि बाबला मैं तेरे लिए एक रोटी पकाऊंगी, तो जाके वहां से गीली लकड़ियां लाके ना चूल्हे में डाल के अपनी आंखें उबाल ली थी।
डालूंगा, है ना, तेल डालूंगा और खावा करूंगा और बोलो। कैसा फुसफुसा बंदा है तू, रेत का बना हुआ। अभी तो इतना गुस्से से आग बगोला हुआ था, अब मोम होने लगा है। ये कहे तो मैं सारी दुनिया के काम छोड़ दूं, सारे काम करूं, वही मैं चक्की पीसूं, मैं कतावा करूं, हैं, मैं रोटी पका के तुझे खिलाऊं, और मैं क्यों ना खिलाऊं अपनी चीज को। बाबला भारी जाए कोई देर को, वो कैसे तू नहीं जैसे कोले आते, जैसे कोले आते टोका चलाएगी तो हाथ पे छाले तो पड़ेंगे ही ना, ना चलाया कर। ले बर्फी लाया हूं तेरे लिए, खा। लाले गुलाब की हड्डी की है। लाले गुलाब की हड्डी? हाँ हाँ। एक और आ गया लाले गुलाब की हड्डी की बर्फी लेके, खराब किए जाओ इसे। पापा तुम्हे हर कोई वारी सदके होने लगा हाथों पे छाले देखकर। सारी तरकीब मेरी थी। खाली तरकीब ही नहीं थी, छाले भी थे साथ। ये देख। हाय मैं मर गई। जानती हो राज सावन ने क्या कहा? क्या? फिर बताऊंगी, सबर कर। बताना जल्दी। अंदर तूफान उठ रहे हैं। हाय बेचैनी। मत बता मेरी जूती को। बस रूठ गई? जानती हो ना कि मैं रूठ नहीं सकती, इसीलिए सताती हूँ। अच्छा नहीं सताती, बताती हूँ। पर शुरू कहाँ से करूँ, उसने तो बहुत कुछ कहा था। मरन चुकी, बता भी दे अब। कहने लगा भराई जब पलकें झुकाती है तो उनके साए ठोरी तक उतर आते हैं, बेशक। और ये कि नजर मिला के झुकाती है तो ऐसा लगता है जैसे दीवार से धूप से लगाई हो। मरण जोगा है किधर वो? सखीरे भी चले। चल चल चलते। आदा हुई है तो नहीं थी लाड प्यार चोचले, तेरा क्या धरा है ये सब कुछ? शादी के साथ गई है जखीरे की तरफ। गई क्यों है? है? माँ वो कोई अनोखी बात है, वो कुड़ियां चिड़िया जखीरे में आती जाती रहती है। आती जाती रहती हैं, महीने भर से हो रहा है ये सब कुछ, कभी सुबह कभी दिन ढले कभी दीगर की बांग सुन के। आज तो शाम हो गई है। शाम हो गई है, शाम नहीं हुई, रात को रात। मैं जखीरे पता करके आता हूँ। किसका पता भाई? ओए 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 कुछ नहीं होया बाप, खाम खाना उगल समझे, आराम से बैठ। अब्बा पता करने बस कर। बेवकूफ ना हो तो पल भर में ये बात बच्चे बच्चे की जबान पे होगी, ये गांव है समझे हो? समझे हो, दोपहर से शाम हो रही है, समझता ही नहीं है। ओए क्या शाम हो रही है, अभी तो दिए में बत्ती डली है। मुझे कुछ ना बताना, कुछ ना बताना मुझे। अच्छा इधरा मैं तुझे बताऊं, इधरा इधरा कहां गई थी? कहां गई थी? मैं तेरा मन कहां छोड़ दूंगी? कहां गई थी? कहां गई थी? दफा हो, बता दे कहां गई थी। बाबा रंगली मैं शराबी के मौकू विले, तुम सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो मुझे मारो पर बाबला। बेटी ये तेरे लक्षण ठीक नहीं है समझिए। बेबे देख बेबे, बेशक मुझे मार पर इस तरह ना देख। बेटियों को लाड प्यार दिया जाता है, इज्जत नहीं कि करो दिनाम। जी क्या कह रही हो? ठीक कह रही है भाई, अम्मा ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक, अम्मा ठीक कह रही है। और वो शाबी हरामखोर
बेशर्मों की तरह खुद भी हंसती रहती, तुझे भी बेशर्मों की तरह फंसाती रहती। दवा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने। वीरा, वीरा तू ही बेबी को समझा। उसे समझाऊं कि तुझे समझाऊं? शुक्र कर मैं घर में नहीं था। मुझे कमजोर ना समझना, शाबी पी सकती हूँ मैं तेरे, समझी तुम? मगर मैं और शाबी शाबी पे लानत भेज दे। बस कर दे, बस कर दे, सीने में धुआं उठ रहा है मेरे, बस कर दे। तो बस कर जा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इतना ना बोल के तेरी जुबान जो है ना उबार निकल आए, लटक जाए, लटक जाए। ओए, कुछ सोचो, कुछ समझो, फैसला करो। फैसला करो, तुझे फैसला करते हौल आता है? कर फैसला, कर। आज के बाद कुड़िये तू घर की चौखट से बाहर नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। तो बाहर गई तो मैं तेरे टोटे कर दूंगा, समझी है? मगर क्यों? शाबी मेरी सहेली है। शाबी तेरी सहेली है तो वो आ जाए करे इधर, उसने पैरों में मेहंदी नहीं लगाई भी। वो आ जाए करे इधर। ओए, ए, इसका पर्दा है तेरे वीरों से है? और उधर उसका फुफेर आया वह थलों से, काम का ना कार का दुश्मन अनाज का, सारा दिन घर में पड़ा ऐंठता रहता है। कौन है? फुफेर। क्यों? अखे चकवाल से बैलों की जोड़ी आ रही है, ना बैलों की जोड़ी आ रही है और ना वो दफान हो रहा है इधर से मजदूर। इतना डांट टपट करने से औलाद बेकाबू हो जाती है। डांट लिया था तो मना भी लेना तो उसे है, और एक आदमी का जिक्र भी कर दिया तूने सबके सामने, इसको कहते आ बैल मुझे मार। आतोगी पागलों वाली बातें ना कर, अभी इतना चाड़ा, इतना चाड़ा, अब जाके हाथ जोड़ दे उसके आगे, कुछ समझा भी कर। पुत्र ना छेड़ बेबे मुझे। हाय हाय, तू तो बड़ी कच्ची तबीयत की है। मैंने तो तुझे वैसे ही कहा था पुत्र, अब तो बड़ी हो गई, सियानी हो गई है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना, समझ जाना चाहिए ना बात को पुत्र। पुत्र ये पागल आया है? पुत्रा तू सियानी हो गई पर बालक नहीं मेरे बेटे, तेरा बाबूल है। चल चल बस कर दे, बस कर दे, बाबूल छेड़े तो कुछ हाथ भी नहीं चटकती, माँ हाथ लगाया तो हाथ चटक के रख देती। अच्छा अच्छा बात करने दे, सूजी लेकर आ, आज फिर हलवा खाने को, मीठा खाने को जी चाह रहा है मेरा। हलवा खाएगी? खाएगी। चली ना हो तो उठ, मैं लेके आता हूँ हलवा। सूजी लेके आ, हलवा तो मैं पकाऊंगी। चलो हाथ पड़ते। से बैठी और ये उम्र तेरी सोचने की नहीं है। तुझे ऐसे देख के तो मेरे कलेजे में खिंची पड़ती है,
तो मेरा कौन है तेरे सिवा? आ जा, आ जा, वो तो मेरे श्याम। उस दिन से इसका ये हाल हो गया। दिल की जरा नरम है ना, तो असर ले लेती है। जा जाके नहा तो, कपड़े बदल, बाल सुवार। ये एक था राजा, वो जाता था राजा। चार दिन हो गए तेरी राह देखते हुए, और तू तुझे दिन कहाँ थी? इतने दिन बाद शक्ल दिखा ली अपनी और मुझे बातें सुना दी। छोड़े इनके इनके, तू जो मुझे बातें सुना रही है तो बोला तू आई क्यों नहीं इतने दिन? तो तू आ जाती है, संदेशा भेजा था मुझे कि मैं आ जाती। तो क्या तेरे पैरों में मेहंदी लगी है? तू नहीं आ सकती थी? यहाँ कोई नहीं है तुझे ताकने वाला, समझी? अब क्या हुआ, तोता ले गया जुबान तेरी, बोलती क्यों नहीं? अच्छा बाबा, मैं आ जाया करूंगी। ठीक है, बैठ फिर। ये बता कहाँ थी तेरे? जहन्नुम में। ने गुड़ियो, ने खतों की थे। आई ये मासी अंदर में बुलाता है। आई मैं सदके, मैं वारी, मैं त्रिखे, रंग चोखा, शाला नजर ना लगे। तुझे कह रही है? क्यों मासी, मुझे कह रही है? रंग रूप तो तेरा भी अच्छा है, पर मैं तो पराई की बात कर रही हूँ। तो हमारे काम से गई, मैं चलती हूँ। बैठ ना दो घड़ी, मैं चलती हूँ। मालिक और खरीदार एक जगह हो तो निकल जाना चाहिए। मुंह नोच लो। बेबे, सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जीरा बहन, क्या हाल है? ठीक तो हो? बैठो। बैठना क्या है, जो कुछ देखने था वो तो देख लिया है। खैर की बात करना, कोई सियालों की हीर बिठा रखी है तूने। मैं औरत हूँ, सारी उम्र चेहरे देखते परखते गुजरी है, पर आज दिल हार बैठी हूँ। क्या मतलब? सच्ची पूछो, दूध कांसे और सिंदूर का मिलाप है, पर नैन नक्श आज तक तेरे खानदान में किसी के नहीं है। तूने रंगली को नहीं देखा? उसके नैन नक्श बिल्कुल अपने दादे पे। चल छोड़ इन बातों को, नकदी मेरी झोली में डाल, गुड़बुड़ बाद में आता रहेगा। गुड़बुड़ बाद में आता रहेगा, ऐसे हो सकता है? सारी चीजें दे के तुझे भेजूंगी। चल अंदर तो चल, तुझसे बात करनी है। चला, देख तुझे खुश करके भेजूंगी। क्या बात है बेबे, खुरती क्यों? घर में इतनी चहल पहल है, कुछ समझ है तुझे? ये रोज नैने आ रही हैं, कुछ खबर नहीं तुझे? तू ये आज से आ रही है? हाँ, वैसे तो बेटी की पैदाइश से शुरू हो जाते हैं ये लोग। बात ये है बेटा कि ये शाबी मुझे एक आंख नहीं भाती। क्या कह रही हो बेटे? ठीक कह रही हूँ, बात सुने बगैर ना चल पड़ा कर, मेरी बात पूरी सुन लिया कर। मैं मानती हूँ पुत्र कि तेरी सहेली गुनों की पक्की है, मगर लोग आ जा रहे हैं पुत्र, एहतियात जरूरी है मेरा बच्चा। दो टोक बात कर। वो यहाँ ना आया करे। तो ठीक है, मैं चली जाया करूंगी। हरगिज नहीं, ना तू जाएगी ना वो आएगी, फैसला है मेरा। ना वो आएगी ना मैं जाऊंगी, तो क्या घर में बैठ के मैं चिल्ला काटूं? ओ पुत्र, खानदान की इज्जत माँ बाप की हुरमत के लिए तियां जो है कुछ चिल्लाए तो काटती है रानी। ठीक है, वो नहीं आएगी और तू भी नहीं जाएगी, समझी?
मैं भी नहीं जाऊंगी। शवादी शवा थी मेरी, इतना याद किया था मुझे। शाबिर तो यहां आया कर, क्या हो गया है तुझे? होश में तो है? हाँ, आज के बाद ये नहीं होगा, बस तू जा। नहीं तो ना सही, तेरे बगैर मर नहीं जाऊंगी मैं। हाँ शुक्र है वक्त पर वला टल गई, इसके लक्षणों की बात चलती तो बात भराई पर आकर ठहर जाती। खुदा ना खास्ता तो गई। भराई चलेगी मेरे साथ? नहीं मैं काम कर रही हूँ। चलना घर। लेवे मारेगी मुझे? नहीं मारते तो पहले पूछ के आ। पूछ के आओ? चल ठीक है। मासी, मासी नेका। अरे है, वहां क्यों खड़ी है? इसके ऊपर खड़ी हो जा। मासी नेका। मासी हमारी हंडिया चल गई है। तो फिर मैं क्या करूं? हैं? हेलो से मेरा फेर आया है, थोड़ा चार दे दे। तो ये चार लेना है तो अंदर आ जा, वहां आके चार दे दो तुझे। मैं नहीं आऊंगी, तेरी लाड़ी ने मेरा रास्ता बंद कर दिया। ओफो तू अंदर आ जा, मैं इधर से तेरे मुंह पे तो नहीं फेंक सकती ना चार। तेरी शक्ल पे तू है ही बड़ी बेवकूफ। 10 दफा तुझे मना किया इन हरकतों से, फिर हंसती रहती है। क्या बात है? ला। ही हा हा हु। मासी भाई का है? उतावा कर रही है। मासी ले जाओ। क्या? भाई को ले थोड़ी देर के लिए। आई ये चार लेने के लिए, भाई को ले जाओ। क्या हो गया? ये पढ़ाई घर में ना हो ना, घर में जैसे देरा सा हो जाता है। किधर गई? ये शाबी आई थी तो वो कह रही थी साथ ले जाना। वाह वाह, ये बेटियों को इस तरह कैद करके रखना ना, ये ममता नहीं है। और सुन, वैसे भी उसकी बात पक्की हो गई है, वो नाई जो है ना बाली गल गया हुआ है, गाने दरवाने। आखिर सन किसकी है?
मुंद्रे वाली बही पर सब कुछ लिखा। नहीं पुत्र, शादियों के 100 पहाड़े होते हैं, हिसाब रखो बेटा। सात चूल्हों की सुआ हमारे सर में पड़ेगी, क्या होगा? ना शोर कर, चुप कर जाए, चुप कर जा बस। इनो तलाश करने गए हैं दुल्हिया। किसने बताया है? मैंने बताया है उन्हें। ओए आपा, बड़ा जुलम किया तुमने, और अंगल से बड़ा तेखा है, और अब्बा खैर खरी पुत्रा जी। अब्दुल्ला, मुझे गोर में डाला यहाँ से ले, आपका वास्ता दीदी रसूल का वास्ता। अब्दुल्ला मेरे बच्चे, आपका वास्ता दीदी ले, तूने मुझे वास्ते दे दिए, शगन पूरे करने। आपा आपा ना बोल, ना बोल आपा मर जाएगी। दिल ऊंचा कर, बैठ गया तो बैठ गया, मर मर का कहा दिल ऊंचा करेगा? कोई उपयुक्त मिली? मिलती तो टोटे साथ लेकर आते। इन कंधों को तो डोली उठा थी, अब तो शायद जनाजा। जमी खा गई, आसमान निकल गया, जानते सभी हैं, सभी जानते हैं, मगर बताता कोई नहीं। बेबे, तू कुछ छुपाती है, रब की सौ एक बार बता दे, छल्ली में से गुजार दूंगा उसे। माई जीरा कह रही थी कि बड़े खूह से किसी के कराने की आवाजें आ रही हैं। रब करे डूब मरी हो, उसको कछुए खाएं। अच्छी जैसा जवाब है तुम्हें रागला, मिट्टी की तरह ढेर हो रहा है, वो ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या बात है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। पग पैरों में आ पड़ी अब्बा, और तू कहता है ऐसी क्या बात है? सबर सबर, वरना भस्म हो जाएगा ये चपारा। नहीं होता सबर मुझसे, आग लगती है ना अंदर तो कड़कड़ की आवाज आती है, मुझे तो पता भी नहीं था कि होनी होगी। समझाया तुझे, समझाया था, मत बाद के रखो, नतीजा फिर यही निकलना था ना। तेरी
तेरी ढील, तेरा प्यार, तू जिम्मेदार है सारी बात का। और तू मत रही थी रात प्यार किया है सबने, सदके वारी सदके वारी। कौन नहीं होता सबके वारी? आते फिर मजा मजा क्यों मजा बनाते हो? मुझे लगता था मेरे कलबूत में मैं नहीं बू है। हथेलियां समी पे बिछा बिछा कर चलना सिखाया था उसे इस दिन के लिए। दुल्ले मेरे का कुछ नहीं बिगड़ता मुबारक अली। लो में चिड़िया तो उड़ रही हैं पर कुछ सोचो यार कुछ सोचो। उस कुड़ी ने हमारा कोई मोल नहीं डाला। उसने जो करना था कर लिया, तू क्या करेगा? टोटे पाल करना तेरे तो खिला। बस बस बंद करो ये फूड़ी। ये फूड़ी नहीं है पिले, सच में टोटे कर दूंगा। बल्कि की मां मत है तो तू क्या कर देगा? कौन सूरमा रोक सकता? मैं रोक सकता हूं। तू रोकेगा? किसी ने अपने पैरों की मिट्टी छोड़ी या मुंह की लगा? क्या है ये स्यापा? अच्छा इसलिए तने खड़े हुए हैं? कार के बर्तन है खड़क भी जाते हैं। दुल्लिया ये मेरी औलाद है, मेरा खून है। शुद्धनी नहीं ये सब कुछ बर्बाद कर गई। चंगा करो करण ते तेरी औलाद है। खड़ा कब करण ते मेरी औलाद। अच्छा फैसला थे जाओ डगरा में सामो बेटा जाओ रे। ये जो भिराई के टुकड़े करने पे तुले हुए हैं इसके घर को आग लगा देंगे। चुप कर जा, इज्जत इसी में है, इस तूफान को अपने दिल में टक ले। चुप कर चुप। गड्ढा लगाना इधर। तेरे हाथ टूटे हुए क्या? गड्ढा लगाना? नहीं मैं नहीं लगाता गड्ढा लगाना। भाई ठहर जाना,
मेरी बात सुन जाना भाई, बहुत दिनों से तुझे तलाश कर रहा हूँ। कहाँ था तू? दुल्हिया एक बात तो बता, 3 महीने से जो बात तू छुपाए फिर रहा है, क्या तू समझता है कि किसी को कुछ पता नहीं? ओए दुल्हिया, भिराई ने तो जो किया सो किया, लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है, गिला है तुझसे, तूने मुझे आवाज नहीं दी। ओए पगले, तूने एक इशारा तो किया होता, सारा गांव छवियों की तरह उमड़ आता और सांवल की लाश को तेरे कदमों में ढेर कर देता। और चौधरी सिद्धू बोलने से दीर्घ ही निकलेगी। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, कर रे चले राजा रब नू सौंपिया असी जालिमा दे बस चले दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। और तेरी चिट्ठी आई है, ले जा। मेरी चिट्ठी? हाँ हाँ, नाम भी तेरा है, गांव का नाम भी तेरा है, रंग अली, बुलाल अली, मुबारक अली, सब इसमें लिखे हुए हैं। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो फर्द दे भाई, लिखा है प्यारे बाबला, वो चला कार चाल के पढ़ते। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चल जल्दी चल। दुल्हिया, लिखा है प्यारे बाबला, आदाब के बाद अर्ज है कि मैं खैरियत से हूं और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। सूरत अवाल ये है कि मैं अपनी मर्जी से शाबी के पुफेर के साथ थलों में चली आई हूं। हम बड़े राजी खुशी हैं, उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे और मुझे माफ कर देंगे। औलाद से गलतियां हो जाती हैं। आपसे आपने इजाजत दी तो आपके पास चली आऊंगी। वालदा साहबा को कदम बोसी। आखिर में लिखा है आपकी गुनाहगार बेटी सतपराई। ये ले दुनिया, अब मैं चलता हूं। सलाम अलैकुम। कमी कमी ये भी दादी, तेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा कहाँ है?
का फेर था कोई इतना बुरा भी नहीं था। बुरा था या भला? बुरा तो कर गया ना। कितने खत आए भराई की? चार। अगर तू कहे तो हम भी उसे खत लिखें। क्यों? तू भाई को बख्श नहीं सकते। वह चलिए बेटी के रुस्वा होने को कौन बख्श सकता है? और हम बख्श भी देंगे तो दुनिया वाले बख्शेंगे।
कपड़ा वो है, खुशी भी नहीं किसी को, वो बढ़ा गई आगे से। रानी पे गया होगा ना छोटा सा, इतना ही नहीं गया होगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है पुत्र, तुझे याद है जब मैं तुझे इस वेड़े में खिलाया करता था, तेरी नन्ही नन्ही उंगली पकड़ के तू मेरे से यहाँ खेलती थी, किकली किकली खेलती थी मेरे साथ, है ना, किकली 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 किकली। अब काका आएगा, काका आएगा, किकली किकली खेलेगा, इधर खेलेंगे हम सब बैठ के, ये पलंग में ना हम सब बैठ के खेलेंगे। अब्बा क्या हुआ, कोई खास बात है आज? बेबे तू ही बता दे क्या बात हुई है। कोई बात नहीं? नहीं नहीं बेबे, कोई बात है। अरे ये बात है पुत्र, तो बता ना। नहीं, नहीं। तू बता। अरे पुत्र रबड़ सुन नहीं रहे, अरे तो लोग मामू बन गए। मामू मामू जहर लगी है मुझे ये बात। तू क्या कर रही रात को, क्या हो गया तुझे? वो रंगल को बुखार था ना, तो उसको मैं देखने के लिए उठी थी। ताप तो उसका पर्स उतर गया था। अच्छा, और ये तू आधी रात को हुक्का क्यों पी रहा है? वो प्यास लगी थी, मैं उका पीना शुरू हो गया। सो जा नींद आए तो सो ना, नींद ही नहीं आती। वो दीदे बंद करेगी तो नींद आएगी ना, और खुले दीदों से कहाँ नींद आती है। सो जा, मैंने सवेरे काम भी जाना है।
काका, काका सुन लेना खोड़ा, तो अहिम के पास चले। बर्दाश्त की भी हद होती है अब्बा। वे रंगली, कीमा बना के दरिंदों को दरिंदों के आगे डालने वाली बात मजाक नहीं थी। मैं भी बंदा बशर हूं, मुन्ने को प्यार देना ये रजिस्ट्री भी दे देना। शिमला उचा कर दिया अब्बा। हाँ? 500 एक मेरी वालो शरारती सारी उम्र इसे ले लिया कि किसी तरह अपराध होते आज में 500 में दिए एक होते मेरा को गुरु दिया ना चीज है पुत्र पहला बड़ी चीज है मुझे भी दुआ कर अब उसे ले ही आए शायद चल चल दे रहे इनको साथ